शिवपुरी में मूलभूत सुविधाओं से परेशान सत्ता पक्ष की वार्ड पार्षद वार्ड वासियों के साथ धरने पर बैठी पालिका की वार्ड क्रमांक 11 की भाजपा पार्षद और पीआईसी सदस्य पूनम भगेल ने आज नगर पालिका पहुंचकर नगर पालिका के गेट पर ताला जड़ दिया। पार्षद का कहना था कि सत्ता पक्ष के पार्षदों की सुनवाई नहीं हो रही है तो जनता की क्या सुनवाई होती होगी। यहाँ मेरे वार्ड की मोटर खराब पड़ी है, जनता बूंद बूंद पानी को तरस रही है लेकिन नगर पालिका में सुनवाई नहीं हो रही है। आज सुबह 11 बजे पार्षद पूनम भगेल ने नगर की कार्यप्रणाली के चलते नगर पालिका के मुख्य गेट पर तालाबंदी कर दी। पार्षद ने कहा कि मैं 11 नंबर वार्ड के सत्ता पक्ष के पार्षद हूं और 4 बार से चुनकर आ रही हूं और इस बार पीआईसी मेंबर हूं लेकिन मेरी भी यहां सुनवाई नहीं हो रही है। मेरे वार्ड की जनता पानी की बूंद बूंद को तरस रही है। पिछले 30 दिनों से वार्ड की 2 मोटर खराब पड़ी हैं, सही नहीं हो रही हैं। इस कारण जनता काफी परेशान है। प्रबंधन से बार बार कहने के बाद भी मोटर सही होकर आ रही नहीं है। पार्षद का कहना है कि नगर पालिका में सिर्फ कमीशन वालों के काम होते हैं, वार्ड से भेदभाव किया जा रहा है। महाराणा प्रताप वाली गली का 3 बार भूमि पूजन हो चुका है लेकिन अभी तक रोड नहीं डली है। पार्षद पूनम भगेल का कहना था कि मैं पीआईसी मेंबर हूं, विधानसभा से पहले नामांतरण के फाइल कंप्लीट हो चुकी है लेकिन लोगों को दे नहीं रहे हैं। कारण है कि हर नामांतरण पर वसूली की जा रही है। वार्ड पार्षद ने अनिश्चितकालीन धरना देने की बात कही। क्या नाम है आपका? मैं नीलम बघेल, पार्ट 11 से पार्षद हूँ। क्या मामला है यहाँ पे महिलाओं के साथ नगर पालिका? पानी को परेशान है, रोड को परेशान है, नाली को परेशान है, घर के आगे कीचड़ मच रही है, कोई काम सुनवाई नहीं। क्यों नहीं हो रही सुनवाई? क्यों नहीं हो रही? क्या पता, वही पूछने आए नगर पालिका में कि क्यों सुनवाई नहीं हो रही, क्यों बाढ़ 11 में रोड का काम चालू नहीं हो रहा, क्यों मोटर नहीं। आप कमीशन का भी आरोप लगा रही थी ठेकेदारों पर? क्या कमीशन का भी आरोप लगाया? ठेकेदार ने जिसने टेंडर लिया उससे हमने बोला कि भैया हमारी रोड चालू करो, तो उनका कहना ये है कि जब तक दूसरे वार्ड का हमारा पेमेंट नहीं आएगा तो हम कहाँ से चल जाए। कौन को मानते हो आप पूरे मामले में? किसकी लापरवाही मानते हो? नगर पालिका जिम्मेदार है, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रही हूँ। मेरी जनता परेशान है इसलिए मैं जनता को लेकर यहाँ आई, क्योंकि ये लड़ाई रोजाना सुबह शाम हो रही है पानी के लिए। कट्टी लेके घूमती पानी को, रोड को, नाली को, सफाई को, हर चीज को परेशान है, एक काम नहीं करवा पा रहे। सीएम की अनदेखी मान रहे हैं कि नगर पालिका अध्यक्ष की? नगर पालिका प्रशासन जिम्मेदार, प्रशासन की जिम्मेदार। ये आज पार्षद वार्ड नंबर 11 की महिलाओं के साथ मुख्य द्वार पर बैठी हैं, क्या कुछ मामला है पूरा, क्या इनकी समस्या है? भैया वो बता रही हैं कि उनकी मोटर खराब है, तो अगर मोटर खराब है तो मुझे बताना चाहिए या सीएमओ को बताना चाहिए या संबंधित ठेकेदार को बताना चाहिए। जब पता ही नहीं चलेगा कि मोटर खराब है तो कैसे ठीक करेंगे। फिर भी मुझे जैसे ही अभी पता चला तो मैंने कहा भैया शाम तक तुम्हारी मोटर सही हो जाएगी। सड़कों की भी समस्या बता रही, 4 बार एक सड़क का भूमि पूजन हो चुका है। सड़क की समस्या है तो अब वो ठेकेदार गलत आ जाती हैं, नहीं काम करते तो उनको उन पे कार्रवाई करेंगे और आगे दोबारा टेंडर करेंगे। अच्छा, मुख्य तौर पर प्रशासन नगर पालिका प्रशासन पर उन्होंने अपनी लापरवाही ठोकी है, तो ऐसे में क्या लगता है कि ठेकेदार के खिलाफ आप उचित कार्रवाई करेंगे? ठेकेदार पे तो हमने कार्रवाई कर दी, तो आगे क्या समाधान उनकी समस्याओं का? यही है, हम जो ठेकेदार काम नहीं कर रहा है उनको ब्लैकलिस्ट करेंगे, दोबारा टेंडर करेंगे। तो अभी भी उनका धरना प्रदर्शन बरकरार जारी है, तो अभी तक उनको शांति नहीं मिली है, मतलब कोई आपने वो नहीं दिया, आश्वासन नहीं दिया है? मैंने आश्वासन दे दिया कि मोटर शाम तक सही हो जाएगी और ठेकेदारों पर कार्रवाई करके दोबारा टेंडर कर लेंगे। फिर भी अभी वो बैठी हुई है उस पर कार्रवाई चली जाएंगी। ठीक।